पलपल न्यूज़ से मैं हूँ आप लोगों के साथ नदीम मकरम। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के बैनर तले एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हम लेके जाना है। अमूमन हमारे साथ बात करने के लिए तमाम शख्स मौजूद होते हैं और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो हैं मौलाना महमूद अहमद दरियाबंदी साहब। तो उनसे जानेंगे कि सर जिस तरीके से मुल्क के हालात हो चुके हैं, मुल्क के हालात में एनआरसी को लेकर के इसका हलवा बनाने की कोशिश की गई और मुस्लिम समुदाय को डराने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। अभी कोलकाता में जो हमारे गृहमंत्री हैं वो बयान देते हैं कि जो एनआरसी में सिख ईसाई जैन उन्हीं सबको रहने का अधिकार होगा, जो घुसपैठिए होंगे उन्हें बाहर निकाला जाएगा। देखिए, इस वक्त जो एनआरसी का मौजूद पूरे मुल्क में चल रहा है, ये कहना यह है कि पूरे मुल्क में एनआरसी को नाफिज करना आसान नहीं है। सिर्फ आसाम के अंदर 55,000 सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया, 1,600 करोड़ रुपए खर्च हुए, 7 साल की मुद्दत में वहाँ पर एनआरसी का काम मुकम्मल हुआ। वो भी इस तरह से मुकम्मल हुआ कि किसी की बीवी की जगह किसी के बहन का नाम है, किसी बहन की जगह किसी की माँ का नाम है। तब तक वहाँ पर वो काम मुकम्मल नहीं हो पाया और वहाँ इसके बावजूद 19 लाख लोग ऐसे रह गए जिसमें से 12 या 13 लाख गैर मुस्लिम हैं, 7 लाख मुस्लिम हैं। तो एक तरह से उनका जो एजेंडा था कि लाखों लोग करोड़ों लोग बल्कि आसाम में घुसपैठ किए हुए हैं, मुसलमान है, वो उनका झूठा प्रोपेगेंडा सारी दुनिया के सामने आ गया। अब उन्होंने पूरे मुसलमानों के, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्तों को फस्त करने के लिए पूरे मुल्क में एनआरसी का नारा लगाया है। मुसलमानों को चाहिए कि इसमें फायदा ना हो। ये हमारे लिए इसलिए भी अच्छा है कि इसी बहाने हमारे कागजात दुरुस्त हो जाएंगे, उनके सारे कागजात दुरुस्त रखें, ताकि जो हमारे वजीर दाखिला ने बंगाल में जो बयान दिया है वो दस्तूर के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा दस्तूर सारे लोगों के लिए, दस्तूर की दफा 14 आर्टिकल 14 सारे लोगों को एक जैसे एक जैसे यहाँ पर सारे लोगों को वोट देता है, सारे लोग बराबर हैं, सबको मसावात का यहाँ पर हक है। सिर्फ ये बात कहना कि जो मुसलमान होगा उसको बाहर खदेड़ दिया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। जब मौका आएगा उसकी जनता के कानूनी मुखालफत की जाएगी, अवामी मुखालफत भी की जाएगी। किसी तरह का पैनिक फैलाने की, किसी तरह का खौफ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। सर मौलाना साहब, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा कि लगातार ये देखने में आ रहा है कि हुकूमत संविधान को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रही है। हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ धर्म और जाति के नाम पर नागरिकता नहीं दी जाएगी, पर हुकूमत के कहने पर बार बार उतारू हो चुकी है कि धर्म और जाति के आधार पर ही नागरिकता दी जाएगी। ये बिल्कुल गलत होगा, अगर ऐसा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, दस्तूर के खिलाफ होगा, जमहूरियत के खिलाफ होगा। अगर ऐसा होता है तो सारे जमहूरियत लोगों को, चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हों, किसी भी जगह के रहने वाले हों, उनको इसकी मुखालफत करनी चाहिए और हम लोग भी करेंगे। मलाल साहब, लगातार जो तमाम मुद्दे होते हैं, चाहे एनआरसी का हो, तीन तलाक हो, चाहे तीन तलाक का मुद्दा हो, हुकूमत जैसे ही आई एक के बाद एक बिल पास करती चली गई और इसमें अगर कोई खौफजदा है तो मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा डरा और महसूस कर रहे हैं। तो ये जो एक डर एनआरसी का दिल में लेकर के लोग जी रहे हैं, क्योंकि तमाम फोन कॉल मेरे पास भी आते रहते हैं कि हम आगे क्या करेंगे जब हमारे ही देश में हमें विदेशी घोषित किया जाएगा, इस एनआरसी का जो हुआ है उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये हुकूमत की साजिश है नॉन इशू को इशू बनाने की। आजकल मुल्क के हालात ख़राब है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी जो है वो घट करके 5% के नीचे आ चुकी है। ये सारे हालात को बहकाने के लिए वो इस तरह के मौजूद, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। 3 तलाक का मसला उठाया गया, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मसला उठाएंगे, पर यही एनआरसी का भी यही मसला है। तो कौम को किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने कागजात अलबत्ता सारे लोग दुरुस्त कर लें जो भी उनके पास से कागजात, बाकी जब पैसा कोई अगर मामला आता है कि सिर्फ मुसलमानों पर ही बिजली गिरनी है तो इंशाल्लाह उसका पूरा मुकाबला किया जाएगा। लगातार कई वर्षों से एक मसला बहुत पुराना चला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे उठाने का, सॉल्व करने का पूरी तरीके से निर्णय ले लिया है, बाबरी मस्जिद अजाम जन्मभूमि विवाद। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब तक हुई है, जो
जो दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई उनमें यही बात निकल करके आई कि सबूत है नहीं तो डकैत के गए, और मुस्लिम पक्षकार लगातार ये दलीलें और सबूत बाबरी मस्जिद के पेश कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेकर के चला है कि नवम्बर तक वो फैसले की सुनवाई कर देगा। देखिए, अब तक जो तफसीलात बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में महसूस हुई हैं आई हैं वो सब काबिल अगर इंसाफ सबूत एविडेंस के पेश नज़र फैसला होगा तो इंशाल्लाह वहाँ पर मस्जिद होगी, और हमें पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि कोर्ट का यही फैसला आने वाला है। उसी से घबरा करके ये लोग बार बार नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। एक मतलब अगर मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, उनको पता है क्या सूरत हाल है, सबूत किसके पास हैं, गवाह किसके थे, 1949 तक वहाँ नमाज हुई है, वो आखिरी इमाम साहब का भी बयान है, इस तरह के बहुत सारे सबूतों को बताते हैं जो वहाँ पर मस्जिद ही थी और इंशाल्लाह मस्जिद बनी। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल मेरा यही होगा आपसे, बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है हुक्मरानों द्वारा कि मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ते रहते हैं, और जब पढ़ने की कोशिश करते हैं चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ जिस तरीके का दोहरा रवैया हो, चाहे JNU हो, चाहे गौहर अली यूनिवर्सिटी हो, उन्हें मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं कहीं कि समुदाय आगे ना पढ़ पाए उसे रोकने की पूरी साजिश हो रही है। तालीम के ज़माने में बहुत अहमियत है, और हकीकत यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 1992 के बाद और 1992 से पहले के हालात अगर हम देखते हैं तो 1992 के बाद मुस्लिम कौम में तालीमी इंकलाब आया, ये सारे लोग जानते हैं, और जिस कौम में तालीम फैल जाती है वो कौम तरक्की करती है। उसी तरक्की को रोकने के लिए इस तरह के हालात हो रहे हैं, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आज़ादी पर हमला होता है, कभी जामिया मिलिया का मसला उठाया जाता है, और आजकल जौहर यूनिवर्सिटी का। हमें आज़म खान से बहुत सारे इख्तलाफ हैं, हम उनकी ज़बान इस तरह से बोलते हैं वो भी पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो तालीमी इदारा कायम किया है वो काबिल-ए-कदर है, उसको कायम रहना चाहिए, उसको तरक्की करना चाहिए, ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। और वहाँ पर पढ़ने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, तमाम कौमों के बच्चे वहाँ जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आइंदा भी पढ़ रहे हैं। कितना बड़ा आदमी पैमाने का तालीम इदारा अगर हमारे मुल्क में चलता है तो ये मुल्क के लिए फख्र की बात है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि RSS की मोहन भागवत बार बार देश को हिंदू राष्ट्र को बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या देश अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि 2 अक्टूबर अभी गई है गांधी जयंती, सोशल मीडिया पर BJP ITCL द्वारा ट्रेंड किया जाता है कि गॉड से अमर रहें, क्या देश अब गांधीवादी से हट करके गॉड से हिंदू की तरफ बढ़ने लगा है? लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क में एक रंगी हुकूमत हो जाए, एक दफ़ा रंग हो जाए, भगवा रंग हो जाए, कैसेरिया रंग हो जाए, लेकिन हमारा दस्तूर और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। आज भी इस मुल्क के अंदर 90 से 95% अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इस मुल्क में जमहूरियत को पसंद करते हैं, और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर दो लोगों ने संविधान और दो लोगों ने संविधान बनाया है, दस्तूर बनाया है, सब उस पर यकीन रखते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये मुल्क की जमहूरियत इसी तरह कायम रहेगी, तरक्की करेगी, और कभी भी यहाँ हिंदू राष्ट्र कायम नहीं। लगातार देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं, 49 देश के चुनिंदा हस्तियां एक लेटर लिखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो लेटर लिखने के बाद उन सब पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, क्या अब देश में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए देशद्रोह कहलाना काफ़ी है? ये बहुत अफसोसनाक बात है, इस मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलता है, जो भी वज़ीर आज़म के खिलाफ उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बोलता है, जो भी BJP के जो सदर हैं उनके खिलाफ बोलता है, उसको बागी तसव्वुर कर लिया जाता है, ये दस्तूर के खिलाफ है। हमारे यहाँ हर एक को बोलने की इजाज़त है, अपने ख्यालात जाहिर करने की इजाज़त है, ये इस आज़ादी को कुचलने की कोशिश है, और हमें उम्मीद है कि अदालत के में उस बात को पेश किया जाएगा, तो जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की है उन्हें सलाम। मौलाना महमूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने देश के मौजूदा हालात पर अपनी बेबाक रायों को रखा, और एक हवा जो NRC के नाम पर बनाने की कोशिश की जा रही है ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय में, वो असल में NRC का जो मुद्दा उठाया गया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए इरादे से उठाया गया है।